यूट्यूब आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओवरऑल यूट्यूब से पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी आती है। मेरी अर्निंग्स तो पता चलेगी, बहुत अमीर हो गया हूँ भाई मैं यूट्यूब से। सो आज की वीडियो विल बी अबाउट यूट्यूब। सो उसी में खर्चा किया है, ये एक सस्ता वाला फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड मंगाया मैंने, ठीक है। सो अभी तो मैं कहीं निकल रहा हूँ, आप आगे वीडियो देखो। और वीडियो यूट्यूब के अराउंड रहेगी सब कुछ। सो आगे देखो, चलो। मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि लाइक आपको हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। सो मेरा यूट्यूब चैनल मैंने तभी ओपन किया था क्योंकि जब मैं लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था, सो दैट कई बार जो गलतियाँ मैंने करी है मैं चाहता था कोई और ना करे। ऑब्वियसली आपको हमेशा अपनी गलतियों से नहीं सीखना चाहिए, आपको दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। सो यही बात करेंगे आज इस बारे में। सो आज की वीडियो में हम बेसिकली जो बात करेंगे, तो मैंने बता ही दिया आपको कि इट विल बी अबाउट यूट्यूब। सो उससे ज़्यादा वीडियो में ये बताऊंगा मैं कि मेरे अपने लर्निंग्स कैसे रहे हैं यूट्यूब में आने के बाद से, कि क्यों मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, और अर्निंग्स को लेके क्यों मैं रेगुलर नहीं हूँ वो भी। सो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलेगा। यही क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब वीडियो कमेंट्स में। सो आई नो आप जो सब टाइटल पढ़ के आए हो कि अर्निंग, माई अर्निंग ऑन यूट्यूब, सो वो मैं एंड में बताऊंगा। तो अगर आप सब ये जानने आए हो कि शरद कितना कमा रहा है ऑन यूट्यूब, सो कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो अपना टाइम मत वेस्ट करो वीडियो देखने के लिए और एंड तक चले जाओ, और एंड में यू विल गेट टू नो द आंसर। तो अगर आप लोग सोच रहे हो यूट्यूब में आने का, तो बात कर लेते हैं उस बारे में कि सोच के ही आना, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अपने सारे बाकी प्रोफेशंस को छोड़ के यूट्यूबिंग को भी प्रोफेशन बना चुके हैं। कि लाइक ट्वेल्थ के बाद लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन ओपन से कर रहे हैं और यूट्यूब फुल टाइम कर रहे हैं। सो पर्टिकुलरली मेरा ये सीन नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हूँ। सो बेसिकली आई डू UI/UX डिज़ाइनिंग, सो वो मेरा फुल टाइम वर्क है, और यूट्यूब इज़ लाइक मेरे लिए कभी भी करियर ऑप्शन नहीं है। बस ये था कि व्हेन आई स्टार्टेड राइडिंग, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा नहीं किया है, वो आप सबको पता होगा अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हो। तो मैं लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था अबाउट माय बाइक, अबाउट माय कार, और जो भी मेरे लाइफ में होता है मुझे लगता था कि लाइक वो वर्थ शेयरिंग है, वो मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे, वो अभी भी करता हूँ और आगे भी करूँगा। सो आई डोंट थिंक मेरा चैनल कभी बंद होगा। सो रेगुलर क्यों नहीं हूँ मैं, उसका रीज़न है कि मैं फालतू का कंटेंट नहीं बनाना चाहता। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा हो तो ही शेयर करो। अब रेगुलर ब्लॉग्स, अगर डेली ब्लॉग्स बनाने बैठ गए तो डेली ब्लॉग्स में मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है। सो ये पॉइंट नंबर वन होगा, अगर आप यूट्यूबिंग करना चाहते हो तो आपकी लाइफ शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, जो लोग देखना चाहते हैं, पर्टिकुलरली फॉर ब्लॉगिंग। कि अगर आप ब्लॉग कर रहे हो और आपकी लाइफ में क्या है, आप ऑफिस जा रहे हो, घर आ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, घर आ रहे हो, तो कुछ नहीं कर पाओगे। और वीकेंड में भी कितने आप कितना कुछ क्या कर लोगे कि आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाए। सो मोस्टली जो लोगों की लाइफ ऑलरेडी इंटरेस्टिंग है, लेट से वो कोई ट्रैवल करते हैं, या फूडी हैं, फूड के नई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, या पर्टिकुलर किसी भी लाइन में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, जो लोगों के साथ शेयर करा जा सकता है, सो वो उन सब लोगों को यूट्यूब में आना चाहिए। क्योंकि पर्टिकुलर ब्लॉगिंग के लिए भी, मैं पर्टिकुलर ब्लॉगिंग कैटेगरी जो यूट्यूब में है, वो उसमें वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो इनकी लाइफ इंटरेस्टिंग है। सो इवन क्या होता है कि बहुत सारे अलग यूट्यूबर्स भी, जो लेट से कोई कॉमेडी स्किट बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, वो लोग अपना ब्लॉगिंग चैनल एक अलग से खोलते हैं, क्योंकि लोगों ने उनको बोला होता है कि हमें आपकी लाइफ देखनी है, वो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होगी तभी देखनी है। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया कि अगर आपको यूट्यूब फुल टाइम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन यूट्यूब किसको करना चाहिए, यूट्यूब में किसको चैनल बनाना चाहिए, मेरा रीज़न मैंने शेयर कर दिया, वो फुल टाइम पार्ट टाइम का रीज़न आ गया है। जहाँ तक बात होती है यूट्यूब फुल टाइम करने के लिए, तो फुल टाइम के लिए आपको 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपका रिवेन्यू इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूट्यूब में फुल टाइम आ गए और यू आर नॉट अर्निंग, तो आप जल्दी वो चीज़ डिसकंटिन्यू कर दोगे, और आपने अगर इसको चूज़ किया तो यू विल रिग्रेट जल्दी से। सो रिग्रेट नहीं करना चाहिए। सो यूट्यूब फुल टाइम से पहले पूरा पार्ट टाइम में अपने आप को स्टेबल कर लो कि इनकम आ जाए आपकी पूरी। अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो कहीं पर, तो एटलीस्ट आपकी सैलरी से 150%, मतलब जितनी सैलरी हो हाफ सैलरी और ऐड कर लो, उतना एटलीस्ट जनरेट करो तो ही यूट्यूब पे आना। कि यूट्यूब ऑब्वियसली परमानेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका जो भी जॉब था वो फिर भी आप कह सकते हो कि लाइक वो आगे आगे आप परस्यू कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब में अगर बाई चांस यूट्यूब बंद हो गया तो क्या करोगे। तो टिकटॉक तो नहीं करने लगोगे ना, तो इसलिए।
सो ये सब देखना चाहिए. सो मेरा चैनल ऑलरेडी मतलब इज़ लाइक 5K के अराउंड है, मतलब 4000 सम सब्सक्राइबर्स है, वो आप देख लिया होगा आपने. सो मैं इसे रेगुलर वीडियोस डाल के कर सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी यूट्यूब में आ चुका हूँ. मुझे पता है मेरा कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा चल रहा है, लेकिन मुझे वो चीज़ पर्टिकुलरली करनी ही नहीं है क्योंकि कल को अगर लेट्स से जैसे मेरे बजाज एवेंजर या टाटा नैनो की वीडियोस बहुत चलती हैं, ठीक है, तो मैं अगर जाके बस नैनो लेके मार्केट में घुस जाऊँ, टाटा नैनो टाइटल से जनता इतनी आ जाएगी, लेकिन मुझे वो सब करना ही नहीं क्योंकि मेरा वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है. मेरा इंटरेस्ट बस है कि मेरी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. उसके अलावा कुछ भी मुझे लगता है, जैसे अगर आप मेरे लेटेस्ट वीडियो देखोगे तो एक विस्पर चैलेंज किया मैंने अपने वाइफ के साथ, ठीक है, तो ऐसा कुछ जो मुझे लगता है कि हाँ अच्छा है लोगों को शेयर करने के लिए, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, नॉलेज एंटरटेनमेंट और मेरी गलतियों से सीखने के लिए. और एक और चक्कर हो गया कि YouTube में मैं मतलब पहले ज़्यादा रेगुलर था क्योंकि मुझे लगता था कि लोग इंटरेक्ट करते हैं मेरे साथ में, बहुत सारा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस चल रहा था. लेकिन YouTube का आजकल का कुछ कल्चर ही चेंज हो चुका है, YouTube बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है. सो वो नेगेटिविटी मुझे पर्टिकुलरली नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करने के लिए. इवन मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करता था, मैंने उनको अनसब्सक्राइब भी कर दिया क्योंकि वो सब नेगेटिविटी फैला रहे हैं. तो जैसे रिसेंट अगर आप देखोगे, मतलब मैं थोड़ा पुराने से स्टार्ट करता हूँ, बहुत टाइम पहले UIC वर्सेस मुंबई कर निकल हुआ था. सो यार वो दोस्त थे दोनों, ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह चीज़ें ख़राब हो गई. सो वही नेगेटिविटी पूरा YouTube में आ गई, लेकिन आई थिंक उन लोगों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया. आज भी कई वीडियो में UIC की वीडियो में वो बोल देता है ऐसा कुछ जिससे पता चल जाता है कि वो मतलब मुंबई कर निखिल की कुछ मज़े ले रहा है और समथिंग लाइक दैट, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत मैच्योरली हैंडल किया. मेरा जो पहला पंगा हुआ था वो भी बहुत बड़े यूट्यूबर के साथ हुआ था, और उसके बाद स्टार्ट हुआ एक जो मेरा बहुत नोन है, मतलब ऑब्वियसली आई लाइक रफ्तार एमी वे सब, तो इनका एक पूरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ. एमी वे की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने रफ्तार के अगेंस्ट गाना डाला, फिर रफ्तार ने एमी वे के अगेंस्ट गाना डाला, तो वो एक और नेगेटिविटी है जहाँ भी मुझे लगा था कि वो इतना ज़रूरी नहीं था, वो सही शॉर्ट हो सकती थी. और इन द एंड वो 4-5 गानों के बाद एमी वे ने सॉरी बोल के शॉर्ट आउट करी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं और रफ्तार वी आर प्लानिंग एंड डूइंग दिस बैटल सब्सक्राइबर बढ़ाने या फिर जो भी है प्रमोशन करने के लिए गली बॉय के लिए या फिर प्रमोशन करने कुछ भी चीज़ को, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है. मैं वो गाना इसलिए निकाला, समझ में आया क्या, बिकॉज मैंने रीज़न बता चुका हूँ कि क्या सीन हुआ था उसके साथ, मैंने समझ में आया क्या निकाल दिया, बिकॉज मैं हर बार सच्चाई बोलना पसंद करता हूँ, मैं गाने में बोल दिया तो उसी के गाने से बहुत कुछ हो गया. देन ही मेड अ डिस ट्रैक, फिर मैं बनाया, फिर ही मेड, फिर मैं बनाया, फिर उन्होंने बनाया, फिर मैंने बनाया और ख़त्म कर दिया लास्ट में, और ऐसा हो गया, ऑटोमेटिक सीन हो गया बनता है, कोई यहाँ पे प्लानिंग नहीं था, तो वो भी सही था. सो मतलब मुंबई कर वाला ऐसे ओपन रह गया, फिर एमी वे और रफ्तार वाला क्लोज हो गया. ऑब्वियसली रफ्तार वहाँ पे बहुत मैच्योर दिखा क्योंकि उसने बहुत जल्दी बंद कर दिया, एमी वे एंड तक चलता रहा और इन द एंड एमी वे ने सॉरी बोला, मे बी शायद उसको पता चल चुका था कि उसकी गलती है. सो यूट्यूब में ये हमेशा चलता रहता है, और तब वो पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी भी दे गया कि हाँ किसी ने अपनी गलती मानी तो वो छोटा नहीं हो गया, वो अच्छा रहा. सो अभी जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है गौरव जोन के ऊपर, जिसमें उसके दोस्त ने ही उसके अगेंस्ट मतलब एक्सपोज कर दिया उसको. तो मतलब ये वाला पॉइंट है कि एक्चुअली में वो अपने दोस्त को बोल रहा था, ठीक है, अब उसने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, वीडियो रिकॉर्ड कर ली और उसे एक्सपोज मार दिया, तो वहाँ थोड़ा सा वियर्ड हो गया कि एक्चुअली अगर आप सही में किसी के फ्रेंड हो तो ये सब होना ही नहीं चाहिए. अब आई डोंट नो द रीज़न कि क्यों उसने ऐसा किया, आगे क्या था, लेकिन वो पहले ही स्टार्टिंग टर्म्स में गलत था, तो क्योंकि उसको पता भी नहीं था वो रिकॉर्ड कर रहा है, वो हिडन, वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गया. सो उसके बाद मतलब जो उसने वीडियो में दिखाया जिसमें उसने तनेजा, गौरव तनेजा को बोला, फ्लाइंग बीस्ट को और उसकी वाइफ को, उसकी फैमिली को बोला, हाँ बहुत गलत किया उसने, क्योंकि गौरव जोन और गौरव तनेजा का जो फ्लाइंग बीस्ट है उनका ऑलरेडी एक कोलैबोरेशन वीडियो आया था जो अच्छा था. सो जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो एक्चुअली मैं भी सोचता हूँ, जिसमें जैसे मेरी वीडियो में मेरी फैमिली, मेरी वाइफ कई बार दिखती है, तो आई फील लाइक यार कई बार ये चीज़ें कमेंट्स में भी आ जाती है, तो वो बहुत नेगेटिव लगता है मुझे कि यार कि अच्छी खासी मेरी लाइफ है, मैं ऐसा वीडियोस बना के उनको क्यों गलत वीडियोस मतलब कमेंट करवाऊँ लोगों से, मतलब ऐसी कोई मजबूरी तो नहीं है. मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ इंसिडेंट थे जब कमेंट्स है जो मैंने ऑब्वियसली उन्हें ब्लॉक कर दिया. ऐसा बहुत नॉर्मल होता है किसी भी यूट्यूबर के साथ कि ऐसे कमेंट्स आते हैं वीडियोज़ पे और कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे, ऑब्वियसली पॉजिटिव के साथ नेगेटिविटी भी आती जाती है. सो जब गौरव जोन ने गौरव तनेजा की वाइफ को, फैमिली को बोला, तो वो बहुत मतलब ऑब्वियसली हर्टनिंग था, कि ऑब्वियसली उससे हर्ट हुआ मैं भी, क्योंकि ये चीज़ होती है ना कि अगली बार मुझे भी सोचना पड़ेगा अपनी वाइफ को वीडियो में लेके आते हुए या किसी को भी लेके आते हुए, कि उस बंदे के अगेंस्ट लोग बोल सकते हैं.
सो वो पर्टिकुलर चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि मैं भी फ़ैन हूँ फ्लाइंग बीस्ट का, मतलब मैं मेरी वाइफ उनके व्लॉग्स देखते हैं, सो आई नो वो कभी वीडियो देखेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि ये एक बार ज़रूर मैं उनसे मिल के उन्हें बताऊँगा कि लाइक वी बोथ आर बिग फैन ऑफ हिम एंड हिज वाइफ, ऑब्वियसली उनकी फैमिली की, कि वो उनका बहुत फैमिली कंटेंट होता है तो वो अच्छा है। सो फिर उसके अगेंस्ट जब गौरव जोन ने बोला तो बहुत अच्छा नहीं लगा कि यार यूट्यूब में नेगेटिविटी क्यों है। तो जैसे फ्लाइंग बीस आजकल बहुत अच्छा चल रहा है चैनल, सो 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है, उनका दूसरा चैनल भी अच्छा चल रहा है। सो आई फील कि शायद गौरव जोन को वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि वो अच्छा कंटेंट बना रहा है, और प्लस एक 1018 वाला वीडियो था जो एक्चुअली में गौरव तनेजा ने बहुत अच्छे से बताया था। सो उसके अगेंस्ट ऑब्वियस है कि वो ग्रो हो रहा है तो वो अगेंस्ट बोला है, जैसे उसने मुंबई का निखिल के अगेंस्ट में बोला था। सो ये सब चीज़ें हैं ना, तो गलत लगती है कि हर कोई कंटेंट बना रहा है। कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, इतनी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अब उसके दोस्त ने, गौरव जोन के अपने दोस्त ने, जिसके बारे में आई थिंक क्या नाम, एंडी गुज्जर करके उनका यूट्यूब चैनल भी, आई थिंक उनका बीइंग देसी भी एक चैनल है, सो वो ऑलरेडी बहुत अच्छा यूट्यूब पे कर रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो अपना प्रमोशनल स्टंट मारा, क्योंकि उसने जो, अगर वो बोलता है कि मैंने अपने मेन चैनल पर नहीं डाला, तो मेन चैनल पर ही डालता तो समझ में आता है। उसने अपना जो दूसरा चैनल जो कम परफॉर्म कर रहा है उसमें वीडियो डाली, क्योंकि उसमें उसका ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स बढ़े, और ये आजकल बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है, लोग मल्टीपल चैनल चला रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली रिवेन्यू ज़्यादा आएगा, कंटेंट अलग अलग तरह के होगा तो अलग तरह के फॉलोअर्स होंगे। सो ये तो देखा ही गया है कि ऐसा होता ही है। और कई लोग तो ऐसे लोग होते हैं कमेंट करते हैं कि भाई तू गाली दे रहे हैं, तू गाली नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो तू यूट्यूब छोड़ दे, तुझे यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनानी चाहिए। भाई तू गाली दे रहा है, उसको गाली देना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो ब्लॉक कर देता हूँ। तो ऐसे लोग जो नेगेटिव, जो हेटर्स होते हैं ना, उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि तेरे को ब्लॉक करके मैं तो शांत हूँ, क्योंकि भाई तेरे जैसे बहुत है, ठीक है, तेरे 36 आते जाते रहते हैं, मैं कंटेंट बना, तू वीडियो बना ले। मैं कई लोगों के जाकर यूट्यूब चैनल भी देखता हूँ, मुझे गाली देते हैं, मैं चैनल पर जाकर देखता हूँ, उनका और बुरा हाल होता है, 10-10, 20-20 सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर, उसमें बेकार वीडियो। तो ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं, पता नहीं उनको क्या चेड़ होती है। ठीक है, मेरा कंटेंट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी चीज़ों में ध्यान दो ना, तब कुछ कर पाओगे लाइफ में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही, पता नहीं आज ही वीडियो आया गौरव जोन का, जिसमें वो उसने बोला है कि माय रिप्लाई, तो उसने बेसिकली रिप्लाई किया है एंडी गुज्जर की वीडियो का भी, उसने गौरव तनेजा को सॉरी भी बोला, उसकी फैमिली को सॉरी बोला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसने बोला, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो यही वाली बात है, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। और यूट्यूब ने उसको बैन किया, वो कहता है कि मैंने अपने आप को आउट करा, तो अगर उसने खुद को आउट भी किया ना तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऑब्वियसली लोग उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि यार लोग बहुत नेगेटिव थे और उसको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था। ठीक है, आज के टाइम पे अगर वो सॉरी की वीडियो बना रहा है, इसका मतलब उसे पता चल चुका है कि बहुत नेगेटिविटी चल रही है। ठीक है, सो ये ठीक है, मतलब यूट्यूब पे चलता रहता है, यही चीज़ रियल लाइफ मतलब चैनल्स में भी होती है, कंपटीशन हर किसी का होता है बिटवीन चैनल्स ऑल्सो। सो वही अब यूट्यूब में घुस गया, इवन छोटे छोटे यूट्यूबर्स भी एक्सपोज करने लग गए हैं और एक दूसरे का अगेंस्ट वीडियो बनाने लग गए हैं। अभी एक राघव व्लॉग्स करके भी एक चैनल, छोटा सा मतलब ऑब्वियसली मेरे से तो बड़ा ही चैनल है, लेकिन लाइक आई एम कंपेयरिंग विद मुंबई का निखिल, गौरव जोन और ये सब के। सो उसके भी फ्रेंड ने उसको यही ऐसी डिच किया, यार बस आपस में ही लड़ते रहोगे, क्योंकि इन द एंड वो अपने चैनल प्रमोट कर रहा है। सो हर कोई यही कर रहा है कि भाई नेगेटिव बोलो, चैनल प्रमोट करो। मैंने किसी का नाम नहीं डाला टाइटल में भी, क्योंकि मेरे को उससे प्रमोशन नहीं चाहिए। मैं अपना बस यूट्यूब का अभी तक का जर्नी शेयर करना चाह रहा था कि मैंने कौन सी चीज़ें सही करी, कौन सी गलत करी, मुझे किससे फ़ायदा हुआ, किससे नुकसान हुआ। अब YouTube में अगर आप लोग आ रहे हो तो पहले तो यही समझ लो कि कंटेंट इज़ द किंग। मेरा इशू क्या है कि पर्टिकुलरली मुझे पता चल चुका है कि बाइकिंग और कार वाले लोगों का कंटेंट ज़्यादा चलता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वो चीज़ बनाऊं। सो मैंने अब जो सोचा है, मैं आगे का अपना बताता हूँ, लाइक मेरा फ्यूचर प्लान्स क्या अबाउट YouTube। सो आई विल ट्राई कि जो मेरा एक्चुअल प्रोफेशन है दैट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो देखते हैं अगर कुछ हो सकता है उसका कुछ मैं डालूं कंटेंट, क्योंकि अगर वो किसी को चाहिए होगा तो वो मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा करना। और उसके अलावा मेरा बाइक पे इंटरेस्ट, जो कार का इंटरेस्ट है, वो सब तो चलेगा ही चलेगा। ऑब्वियसली मैं स्पेशली नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई लोग मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा, तो वो वाला सीन है। और आई लुक इनटू कि मुझे कोलैबोरेशंस मिले, क्योंकि मैं अब जैसे थोड़ा सा अलग एक थोड़ा सा फन कंटेंट डालने की सोच रहा हूँ चैनल पे, तो उसके लिए आई नीड कोलैबोरेशन। सो अगर आपको कोई ऐसा चैनल है तो यू कैन DM कर दो इंस्टाग्राम पे, नहीं तो कमेंट कर देना, सो आई विल रिप्लाई, सो वी कैन
कॉन्टैक्ट। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो आप ये देख लो कि कंटेंट पे ध्यान तो ज़्यादा बढ़िया है, कंट्रोवर्सी से एक बार सब्सक्राइबर बढ़ भी जाएंगे, लेकिन जैसे वो कंटेंट नीचे होगा ना, कंट्रोवर्सी एक बार कर दोगे, जब तक तुम लेट्स से गौरव जोन की न्यूज़ दिखाते रहोगे तो लोग फॉलो करके रखेंगे। जिस दिन गौरव जोन हटा दोगे उस दिन वो हटा देंगे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो गौरव जोन के लिए आए। ऐसे ही वो मुंबई का निखिल के लिए आए या UIC ब्लॉग्स के लिए आए, तो ये समझ लो चीज़ें सीधी सीधी बात है। सो अपना कंटेंट ही फाइनल करो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए परमानेंट कुछ एक बना सके। क्योंकि कल को अगर ऐसा भी होता है कि प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है, यूट्यूब या कुछ और आ जाता है, तो आपका कंटेंट आपको आगे लेके जाएगा ना। यूट्यूब तो चला गया हाथ से, कल को गौरव जोन उस वाले प्लेटफॉर्म में नहीं हो तो क्या करोगे। सो इसलिए कंटेंट अपना अपना खुद का बना लो। सो मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ। आई नो आई एम नॉट सक्सेसफुल इनफ ऑन यूट्यूब टू शेयर दीज थिंग्स, बट मेरी गलतियाँ हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे को लगा मैंने वो शेयर किया। वो आती है वो बात जिसका सबको इंतज़ार है, क्योंकि बहुत लोग स्किप मार के भी यहाँ तक आ गए होंगे ना। तो मैं बताना चाह रहा था कि मेरी अर्निंग, तो अभी क्या हुआ है कि लाइक मेरे को 1.5 से 2 साल के आसपास हो गए हैं यूट्यूब में, लेकिन मेरा कंटेंट पहले तो मोनेटाइज बहुत लेट हुआ, और बहुत अच्छी वीडियोस भी नहीं डाली मैंने, और मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आई वॉन्ट टू शेयर कि आई ट्राई, अगर स्क्रीनशॉट यहाँ के डाल दूंगा। सो जो रिवेन्यू अभी तक हुआ है, अभी मैंने फर्स्ट थ्रेशहोल्ड ही मीट किया है, दैट्स $100। सो एक वो लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कितने व्यूज़ में कितने पैसे आते हैं। सो मैं बता देता हूँ, मेरे जो टोटल पूरे चैनल पे व्यूज़ है ना, वो 5 लाख के अराउंड है, 5-5.5 लाख। तो समझ लो कि 5-5.5 लाख पे अभी $100 हुए हैं। सो आप हिसाब लगा लो कि आपके चैनल के हिसाब से कि कितने व्यूज़ पे कितने पैसे आ जाते हैं। सो स्क्रीनशॉट यहाँ के लगा देते हैं, ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी तो मैंने पेमेंट ली भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा कोई रेवेन्यू सोर्स नहीं है यूट्यूब। बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी होती हैं जिसमें मैं बाहर के गाने यूज़ कर लेता हूँ, और मोनेटाइजेशन हट जाता है, डीमोनेटाइज हो जाता है। सो इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे बस लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी है। सो ये मेरा है फंडा जो मैं यूट्यूब लेके यूट्यूब में क्यों आया। बाकी आप लोगों को यार मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो भी यूट्यूब करना चाहता है फुल टाइम के लिए, सोचो बड़े से बड़ा यूट्यूबर बहुत टाइम है फुल टाइम हुआ। अगर आपके पास टाइम है, आपके काम लेट्स से फ्रीलांस कर रहे हो कुछ, तो आप फुल टाइम हो जाओ। लेकिन यार एटलीस्ट कंप्लीट योर बेसिक स्टडीज़, ग्रेजुएशन हो सके तो रेगुलर से कर लो। क्योंकि भाई कल को ना, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, बाहर वाला जो ये जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंस और ये सब होता है ना, जो ओपन से जो होता है, इनकी आगे जाके केवल वैल्यू घट जाती है। मतलब बाय द टाइम 10 साल के बाद एक्सपीरियंस में आपको जब एक नेक्स्ट स्टेप लेना होता है ना, तो सबकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगर फॉलो करना है तो कर लो, क्योंकि बोला था ना मैंने गलतियों से सीखना चाहिए, जो इंसान गलतियों से सीखता है ना वही कुछ कर सकता है। तो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, बहुत गलतियाँ करता हूँ, इंसान गलतियाँ ही तो करता है और क्या करता है। सो आई होप आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि YouTube आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और YouTube में मेरा क्या स्टेटस है अभी तक, और ओवरऑल YouTube से पॉजिटिविटी आती है नेगेटिविटी आती है, और मेरी अर्निंग्स तो पता चलेगी, बहुत अमीर हो गया हूँ भाई मैं YouTube से, बता नहीं सकता आपको, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप यहाँ तक अगर आपने देखी है ना, तो एक लाइक और एक कमेंट, ये दो चीज़ कर लेना। सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे अगर आपको लगेगा, बाकी कंटेंट भी देख के करना, सिर्फ एक देखोगे तो पता नहीं इस तरह का मैं आगे वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ। सो वो सब सोच के करना, और बाकी कोई और क्वेश्चन हो यार, एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत वैसे भी, और अगर डिज़ाइनर हो ना, ग्राफिक डिज़ाइनर, UI UX कुछ भी, तो वो कमेंट जरूर करना, पता चलना चाहिए ना अपने जैसे बंदे यूट्यूब में कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही।